बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। वो आपको ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि क्रिसमस का महीना है, आशीषें लो, आशीषें ले जाओ, आशीषें ले जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करो, प्रभु के संगति में रहो, ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ो, आराधना करो, स्तुति करो, अपना आत्मिक लेवल को और बढ़ाओ और आत्मिकता में बढ़ते जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। और इस सुंदर सुबह के लिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद रहते हैं। हालेलुया। सब कुछ करने वाला वो महान परमेश्वर है। हमें आशीष देने के लिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद। हमें ब्लेस करने के लिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद। आज का सुंदर दिन दिखाने के लिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद। सब कुछ करने वाला वो महान परमेश्वर है। बोलो आमीन। आज का हमारा प्रभु ने जी अच्छा टॉपिक दिया है जो भाग 8वां होगा शायद या 7वां, और ये मैं क्रिसमस तक ये भाग कर रहा हूँ ऐसे आशीषों के, क्योंकि आशीषों का महीना है। मैं कोशिश करूँगा हर दिन आपके लिए आशीष लाने के लिए, आशीष मांगने के लिए, ताकि आप मेरे लोग हो, मेरे भवन के लोग हो, मेरे YouTube फैमिली है, और आपको परमेश्वर ब्लेस करे और आप आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का हमारा टॉपिक है तेरे सब काम सफल हो। बोलो आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे सब काम सफल, अपने हाथ को उठाएं प्रभु की हजूरी में। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने हाथ को उठाया है और निश्चय तेरे सब काम सफल होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये मैं नहीं, ये पवित्र वचन हमसे कहता है, और हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं। प्रभु की वचनों को हम रिसीव करते हैं, प्रभु के वचनों को हम मानते हैं, और वचन का कह रहा है तेरे सब काम सफल होंगे। बोलो हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आइए हम पवित्र वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 15 में वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 15:10। आइए पवित्र वचन को निकालते हैं। वचन कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। हालेलुया। फिर से वचन को पढ़ते हैं, अपने इस वचन को 7 बारी पढ़ते हैं। चलो आई मिलकर 7 बारी पढ़ते हैं, 1 बारी होगा, 6 बारी और पढ़ेंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। आमीन। मेरे पीछे बोल सकते हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा, मतलब कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे सब कामों में जिनमें मैं अपना हाथ लगाऊंगा मुझे ब्लेस करेगा। कहिए आमीन। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे सब कामों में जिनमें मैं अपना हाथ लगाऊंगा प्रभु मुझे ब्लेस करेंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। 2 बारी और पढ़ेंगे बस। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। लास्ट बार पढ़ते हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर तेरे सब कामों में जिनमें में तू हाथ लगाएगा सफल करेगा। कहीं आमीन। क्या आप इस विश्वास को मानते हैं? क्या आप इस वचन को मानते हैं? क्या आप इस वचन को ग्रहण करते हैं? हाँ और आमीन कहें। हालेलुया। वचन की गहराई में आप अब जाएं। पहली बात, इधर शब्द लिखा है कि तेरा परमेश्वर। क्या आप इस बात को रिसीव करते हैं कि दुनिया को बनाने वाला सृजनहार आपका पिता है? क्या आप रिसीव करते हैं सृजनहार सब कुछ बनाने वाला यहोवा परमेश्वर परमेश्वर है? दुनिया को रचने वाला सृष्टि का कर्ता वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर है? अगर आप इस बात को मानते हैं तो अपने अगली लाइन पे चलते हैं वचन की। अगला स्टेप जो हमारा है वो है सब कामों में,
कि सब कामों में परमेश्वर तुझे सफल करेगा, सफल करेगा, सफल करेगा, सफल करेगा, सफल करेगा। हालेलुया। इससे भी अच्छी बात एक और है, तीसरे स्टेप पर चलते हैं, नंबर 3 लिखो, फिर डॉट लगाते हैं आगे, फिर चलते हैं। हालेलुया। वचन कहता है, जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। देखिए, पहली बात, अगर हम परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानते हैं, फिर दूसरी बात आती है कि तेरे सब कामों में नहीं, हालेलुया, तेरे सब कामों में नहीं आशीष देगा वो। लेकिन वचन तो कह रहा है तेरे सब कामों में आशीष देगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सब कामों में नहीं, बल्कि सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा। हालेलुया। कभी देखा ना, चलो ये बिजनेस शुरू कर लेते हैं, ये तो मेरा, अरे वाह ये तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया, ये इसमें तो मैंने इतने लाख कमा लिया। ऐसा करते हैं, एक बिजनेस और कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये तो सुखाड़े सर्किल पे हैं, एक अपने अपने मीरा चौक पे कर लेते हैं। हमारे चौक के नाम है इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी प्रार्थना ज्यादा, मैंने उस दिन चेक किया था, विदेश में कुछ लोग ज्यादा सुनते हैं, यूएसए में और इस एरिया में लोग बहुत ज्यादा प्रार्थना सुनते हैं, कनाडा साइड में। और कि प्रभु कह रहे हैं, अपनों ने क्या किया कि एक चौक पे शॉप खोली, अच्छी चलने लगी, अपनों ने अगले चौक पे भी थोड़ी दूर जाके 2 किलोमीटर आगे जाके अपनों ने एक शॉप और खोली। फिर क्या हुआ, वो काम मंदा चल रहा है, वो काम ठंडा चल रहा है, लोगों के 3-3 शॉप आए, सोचते हैं भी एक बहुत अच्छा चलने लग गया, अब ऐसा करते हैं 2 और खोल लेते हैं, तो वो तो बहुत ठप है। फिर बेचारे क्या करते हैं, 2 दुकानों को बेचते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, तितर बितर करते हैं, नहीं। लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है कि तेरे सब कामों में नहीं, सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा। हालेलुया। मतलब जिस काम में तू हाथ लगाएगा, मैं तुझे उन काम के अंदर ब्लेस करता जाऊंगा। कहें आमीन। हालेलुया। मैं तुझे ब्लेस करता जाऊंगा, ब्लेस 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 और ब्लेस करता जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है। फिर आप चाहे इस चौक पे दुकान खोल लो, चाहे 2 किलोमीटर बाद खोल लो, चाहे उसको 2 किलोमीटर आगे खोल लो, प्रभु कह रहे जिनमें तू हाथ लगाएगा उनमें तो सफल होता जाएगा। फिर बेचारे दुकानदार कहते हैं, पता नहीं कैसा मनहूस आदमी सुबह सुबह आ गया, क्या आज की बिक्री ना हुई, ना वो कुछ लेकर गया और मनहूस खिंडा गया। लोग ऐसे बहुत बोलते हैं, अपनी चीजों को नहीं मानते मसीह लोग, लेकिन लोग मानते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के लोगों, कि आपने क्या करना है, जिस काम में तू हाथ लगाएगा उस काम के अंदर प्रभु हमें सफल कर देंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका कौन सा काम सफल नहीं हो रहा, क्या आपका भी काम सफल नहीं हो रहा? हालेलुया। क्या आपका भी काम सफल नहीं हो रहा? हालेलुया। अगर आपका काम भी सफल नहीं हो रहा है, तो मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, आप अपने काम काज को प्रभु के आगे रखिए, कि मेरे सोने का बिजनेस था, या मेरा शूज की दुकान थी, या मेरा होटल का बिजनेस था, तो ये बातें प्रभु के आगे रखें। आइए प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ, यहाँ अपने कॉपी पे लिखा है, लिखने वाले लिख सकते हैं, कुछ बेचारे अनपढ़ हैं जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, वो अपने मन में सोच सकते हैं। सोच लिया, क्या आप तैयार हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर आपका जीवन में चमत्कार दिखाए? क्या आप तैयार हैं प्रभु की बहुतायत की ब्लेसिंग लेने के लिए? हालेलुया। तो अपने आंखों को बंद करें। मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत से लोगों ने, जिनका काम सफल नहीं हो रहे हैं, जिनके पैसा अटके हुए हैं, काम सफल नहीं हो रहे हैं, जिनका घर नहीं बन पा रहे, काम सफल नहीं हो रहे हैं, सैलरी नहीं बढ़ रही है, ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, कुछ भी जो आपने मांगा, प्रभु असफल करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी जो कहते हैं ना, नैया डूबगी, मतलब मैं कहूँगा नाम डूबगी, आपकी नाम डूब रही है, प्रभु उसके पीछे हाथ लगा रहे हैं, आपको उसमें से बाहर निकाल रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं।
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। मैं आपका दास होने के नाते प्रॉफिट सुमन दीपिन के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, बंधन तोड़ दिए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बंधन तोड़ दिए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बंधन तोड़ दिए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बंधन तोड़ दिया जाए। इस सारे शराब के बंधन तोड़ दिए जाए जो उनका काम को असफल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये जादूटोन का बंधन मैं तोड़ रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। केकरा के बंधन मैं तोड़ रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शैतान के बंधन मैं तोड़ रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अविश्वास के बंधन मैं तोड़ रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निराशा का बंधन मैं तोड़ रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। डिप्रेशन का बंधन मैं तोड़ रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। नाकामयाबी का बंधन मैं तोड़ रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, आपका दास होने के नाते इनके जो भी प्रार्थना है इसे अपने चरणों में स्वीकार करें मेरे पिता, और इनका काम सफल कर दो। चाहे कोई भाई या बहन इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता, इनके काम सफल हो जाए, इनके काम सफल हो जाए। कोई कोर्ट कचहरी के केस हैं, कुछ भी एक्सपायर जो भी इन्होंने आपके आगे रखा, इनके काम सफल हो जाए। और आशीषों का महीना है मेरे पिता, इनका हर एक काम सफल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सफल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने आपके काम को सफल कर दिया है, आप सफल हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बंधन तोड़ दिए गए हैं और आप आज़ाद हो गए हैं, और एक नया नूर, एक नई चमक आपके काम काज में आ गई है, और आप ब्लेस्ड हो गया प्रभु के नाम से। और सच में प्रभु ने बंधनों को तोड़ दिया है, और अब आप काम करके देखना, आपके काम सफल हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।